मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहूँगा, हिंदू भाइयों से ये मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग पठान मूवी के वजह से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आप लोग सुधर जाए, समझ जाए क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने इस तरह का मामला किया है, मगर हम लोग खामोश रहे और अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर पठान मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं तो करो, उसको मूवी को जलाओ, जो करना है करो, मगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लान तान बंद करो, ये हमसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तमाम उन हिंदुओं भाइयों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग खुद इस वीडियो को सुने और समझे ये क्या गलत बोल रहा है, और हमारे तरफ से भी ये सारे लोगों पे FIR दर्ज हुआ है और इसको जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सुनवाई हो इस पे, और ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह का मामला। अरे तुम लोगों को क्या हो गया है, अंधभक्त इतना क्यों बन गए हो? मोहम्मद तेरे बाप का नाम, धर्म के ये वीडियो ऑडियो जो भी हजरत सुन रहे हैं, जो इन मामलों में आप लोग जानते हो, जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इसको जल्द से जल्द जेल के अंदर भरे और इस पे जल्दी ही एक्शन ले, क्योंकि ऐसी हरकत हम लोग को हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। तो जितने भी हमारे देश के मुसलमान भाई हैं या हिंदू भाई हैं, उस इस शैतान को आप लोग जेल के अंदर जल्दी से भरे और ऐसे लोग से मुंह बंद करें। हर बार सरकार की शान में गुस्ताखी करके हम लोगों का खून को खोला जाता है और हर बार हम लोग आते हैं और ज्ञापन देके चले जाते हैं, हम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज फिर कोई फिल्म कोई भी लेगी, हमको फिल्म से कोई लेना देना नहीं, हमको एक्टर से कोई लेना देना नहीं। आप शाहरुख खान के घर में आग लगा दे, आप शाहरुख खान पे जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कर दे, जो हिंदू संगठन चाहे, जो उच्च संगठन चाहे, वो पूरी फिल्म में करे, ताकीजों में करे, आग लगा, जो करना है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे सरकार की शान में अगर गुस्ताखी की जाती है तो ये बहुत गलत है। इसके पहले हमने कई बार आवेदन दिए और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ FIR हो, शांतिपूर्वक हम बैठे हैं, जब तक आप FIR करा दें हम यहाँ से चले जाएंगे। इस पर FIR होना चाहिए। एक अभिषेक नाम के लड़के ने जून के ज्ञापन नहीं देना, आपने ज्ञापन नहीं देना, तत्कालीन PI ने राजस्थानी कार्रवाई दी थी। हर बार का ये काम हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले चंदन नगर चौराहे पे चक्का जाम करके मामला थाने का था, वो थाना आते हमको उनके आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। दो घंटे पूरा चंदन नगर खोप में रहा है, आपने उनको हटाया तक नहीं वहां। पूरा बच्चे बुजुर्ग रो रहे थे डर के मारे, पूरा चंदन नगर दहशत में था 2-3 घंटे तक, और दंगे की स्थिति। अभी साहब आप बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ वही बात, इसलिए आप पहले बोल रहे हैं। मुसलमानों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तमाम जो भी सोशल मीडिया है जितना भी है सारा जगह शेयर करें और इसको फैला दो, ताकि ये शैतान को जल्द से जल्द जेल के अंदर किया जाए। ऐसे हर किसी गुस्ताखी हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं। पठान मूवी के आड़ में तुम लोग गुस्ताखी कर रहे हो, जाओ शाहरुख खान से लड़ो, जो भी करना है करो, हमें कोई गरज नहीं है शाहरुख खान से या पठान मूवी से, हमको किसी से नहीं गरज है, बस हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंधभक्तो, आज तुम्हारी वजह से जो पठान मूवी हिट हुआ है ना, सुपर हिट हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम लोगों ने बॉयकॉट नहीं किया होता तो ये मूवी नहीं हिट होता, तुम्हारी वजह से ये फिल्म हिट हुआ है। जब तुम्हारे पापा तुम्हारे लोग ने कह दिया है, मना कर दिया है कि फिल्म के आड़ में ये सब दंगा फसाद ना करें, तो तुम क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? तुम हमारे नबी के शान में गुस्ताखी क्यों कर रहे हो? तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।